तो अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम हो गया आप सभी का एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो भाई जान, जैसा कि सीजन है बकरा ईद का, तो कुर्बानी के जानवर सभी ले रहे हैं, तो हमने भी काफ़ी देर पहले जानवर ले लिया था और बाबा जान ने मेरे बगैर ही ले लिया, बिकॉज वो पहले निकल गए थे और मैं सोया हुआ था। तो कुर्बानी का जानवर हमने बड़ी देर पहले ले गया, आज इंशाल्लाह हमने उसको कॉल कर दिया, वो जानवर पहुँच जाएगा। बाकी आप लोगों को जितना पहले पता है कि खाला वाला सीन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो उससे हम उस वहाँ से बाकी, तो अब हम जिस तरह नॉर्मल थे, नॉर्मल रूटीन में ब्लॉग बनाते थे, हम वैसे बनाएंगे। तो अभी ना तकरीबन 5 बजने वाले हैं, 5:30 तक वो हमारा बेड़ा पहुँच जाएगा इधर तकरीबन। तो वो टोपे से आना था तकरीबन 2 ढाई घंटे तक इधर पहुँच जाना चाहिए था उसको, तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा उधर गया। तो अभी देखते हैं कब तक बेड़ा पहुँचा, और अभी मैं नीचे जाता हूँ गली में और आपको सारे नज़ारे कराता हूँ हर एक बेड़े। पौधे इस वक्त गली के अंदर हम लोग मौजूद है, और आज यू कैन सी क्या ऐसा ऐसा जानवर आना शुरू हो गया। और मोदी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोदी भाई जरा बताए कि गली क्या, मोदी भाई शर्मा ने जरा बताओ कि गली के अंदर क्या सब जानवरों के सीन चाह रहे हैं, क्या किस तरह जानवर आ रहे हैं। ये बड़े छोड़े आ रहे हैं, ये भी माशाल्लाह छोड़ा है। तो बात अगर अभी क्या कहते हैं, जानवर वाले से बात हुई है, तकरीबन 1.5 घंटा उसको और लगना है पहुँचने में। तो एक तकरीबन 2 इधर बैठे पहुँचे हैं और 2 उधर लगे हैं। हमारा इधर यार बताया तो 1.5 घंटा उसको लग जाना है। क्या ये भाई का वो भी दिखा दो यार, ये लो जी आप लोग। मेरा तकरीबन 1 घंटे तक पहुंचना है। सुबह कह रहे ये बकरा का भी दिखा दो यार, मेरी गलती है, वो अगले पीछे गेड़े कराई जाते हैं बंदे। तो ये भाई को भी ले जाओ यार, ये भी है बड़ी गली के एक एक बंदे को लेकर आना है। ऐसा ऐसा दिखाना भी तो है ना हम लोगों ने, कितने कितने जानवर आए करें। फर्स्ट कजन ठीक है जी, और ये बकरा के अभी देखते हैं क्या सीन है बाकी, और आपको ऐसा ऐसा साड़ी दे। इस वक्त मोहित भाई और मैं निकल गए हैं अलहदा, क्योंकि बाकी बच्चे शोर बड़ा डाल रहे थे और टंग बड़ा कर रहे थे। और एज यू कैन सी यहाँ पे भी ऐसा ऐसा मोहल्ले के अंदर बैठे आना शुरू हो गए हैं। इन दिनों काफ़ी बैठे आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में बैठे आज तक। पहले तो एक होता है ना कि जिस तरह इकट्ठे ही पहुँच जाते हैं, तो फिर थोड़े से लेट आए, लेकिन हाँ जरूर गए हैं। और बाकी 6 नंबर में भी अब ऊँच देखे हैं, हमने निकलना है। बाकी पूरी गली वाले हमें देखे जा रहे हैं, जैसे कि इस साइड पर पहले सिर्फ ब्लॉग बना देखो ना, वरना जोड़ा जहाँ मर्जी गली में घुस जाऊँगा छोड़ जाता पूरे मजे आ रही। ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर आ गया। सो अभी आपको ऊँट भी दिखाते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो जो हाँ ये हैं ऊँट, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊँट हैं। और एज यू कैन सी ऊँट इस दफ़ा, हर दफ़ा इसी गली में हमें ऊँट देखने को मिलता है, ला तादाद इसी गली में ज़्यादातर ऊँट होते हैं। और वैसे तो गुनानेपुरी की रौनक यही है, ठीक है। अब 2-3 दिन ही रह गए हैं, फिर ये रौनक भी ख़त्म हो जानी है। और मुझे सर क्या कहते हैं, ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बाकी थोड़े से रफ 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 लग रहे हैं। और बंदे को पिक करने जा रहे हैं जिसके पास हमारा बैठा है, मोदी भाई हमारे साथ है। चिराग क्लब के पास वो डाला लेके खड़े हैं, वहाँ से उनको पिक करना है, फिर गली में लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ से तो ना ये देखो हम रोड पे जा रहे हैं, ये लोग तो मैं सारा दिखाते हैं लोगों को, बाकी लोग ऐसा था कुछ साथ दिखाते जाएंगे। और बस जल्दी पकाओ गाड़ी के वहाँ पहुँचना है। तो अभी हम लोग कहते हैं इधर वेट कर रहे हैं चिनाब क्लब के पास, एज यू कैन सी ठीक है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। डाला कह रहे हैं इस पास खड़ा है, पापा जान को किया कॉल, मुझे तो वो लग रहा है सामने। अब देखते हैं कहाँ है, कहाँ आ गया। तो बोलिस अब बैठा होने लगा है लोड, और हम लोग कहते हैं इधर पहुँच गए हैं। बस खप ये डाली है कि बैठा बैठा इस तरह पीछे देखे यार, मसला बन गया है। सो करते हैं इसको लोड लेके चलते हैं गली के अंदर। Oh
सुबह से हो गई रात, अब जैसे ही हमने इसको उधर अनलोड करवाया था उसके बाद हम लोग कहते चले गए थे इसकी रस्सी लेने। रस्सी इसलिए एज यू कैन सी उसकी जो नथ है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो इस वजह से वो दूसरी रस्सी मोइज लेने के, वो उसके पास है तो वो डाल देगा। तो बाकी इसको अभी डाले हमने पट्टे छट्टे, आज रात हमने जाना है मंजी वाला सीन एज यू कैन सी पूरा फुल चसी मोल बनाया हम लोगों ने। तो देखते हैं कितना इसके पास हम रुक सकते हैं, कोशिश तो पूरी है कि आज का दिन और कल के दिन इसी के पास हम रुक रहे हैं। देखते हैं अब देखते कितना का टाइम हमें लगता है और कितना टाइम। हमें लग गई थी प्यार, हम लोगों ने पकड़ी स्टिंग मोजी अपना कहते यहाँ पे ये देखो भाई और बैठा इसको कहता है हमारा आराम से पट्टी छट्टे इसने खा लिया हमने। ओ यार बस कर वो पट्टी बैठा है चैन नहीं आता है एक जगह टिक गया यार ये हरकत ना किया कर मैंने बहुत अंदर अंदर बैठे हैं सारे यार तुझे मैंने मना किया ये हरकत ना हां जी। तो बाद में अभी क्या कहते हैं हम लोग बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे बशिंदे मौजूद है। आज रात हम ये व्यापारी है ये वो बंदा है जिसने हमारी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मैं तुमको बताऊं भाई यार इस बंदे ने सारी गाड़ी पे लकीरें अकेले नहीं मारी। हाय हाय क्या बात है ये इसके साथ क्या कहते छोटा पार्टनर ये बपारी रखा हुआ है ये साथ वाला ये इसका पूरा नहीं। तो बाय द वे अभी जरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और आगे का टाइम लैप्स भी देखा होगा थोड़ा बहुत, तो सुबह तक का वेट करते हैं यार। लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुबह इस वक्त मैं आ गया था ऊपर तकरीबन 11 बजने वाले और मैंने बाबा जान को भी पिक करने जाना था उनके दुकान पे, तो अभी उधर भी निकला है। व्लॉग भी साथ एडिट करना था मैंने ताकि आप लोग तक टाइम पर व्लॉग पहुंचे, लेट ना हो। कोशिश मेरी ये लेकिन व्लॉग एक दिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम पर टाइम व्लॉग बनाओ। तो आपका व्लॉग हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, बाकी का व्लॉग आप लोग को कल नेक्स्ट व्लॉग आपको कल ही मिलेगा। ठीक है ये जो आप लोग देख रहे हो इस दिन तो आपको नेक्स्ट व्लॉग कल ही मिलेगा। तो बात अगर व्लॉग पसंद आ गया तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। मैं बनूंगा से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।